लॉकडाउन में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के ट्रेन किराए पर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इन प्रवासियों से इस मुश्किल वक्त में भी ट्रेन का किराया वसूल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि इन प्रवासियों के ट्रेन के किराए का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद सरकार में खलबली मच गई। सरकार की ओर से फौरन सफाई पेश की गई। कहा गया कि किसी प्रवासी से घर वापसी के लिए कोई पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है। सरकार ने दावा किया कि 85% किराया केंद्र सरकार दे रही है, जबकि 15% खर्च राज्य सरकारें उठाएंगी। सरकार के इस दावे के बाद इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई। बहरहाल इस बीच ट्रेनों से घर लौट रहे प्रवासियों ने जो बताया है वो काफी हद तक पूरी तस्वीर को साफ कर देता है। मुंबई से यूपी के सिद्धार्थनगर लौटे इन प्रवासी मजदूरों ने साफ साफ बताया कि उनसे रेलवे ने टिकट का पैसा लिया है। उन्होंने बकायदा अपने टिकट भी दिखाए जिनमें किराया लिखा हुआ है। सुनिए इन मजदूरों की पूरी बात। पैसा था, सब खर्चा हो गया, आते आते एक रुपया भी खीसे में नहीं है, और सरकार ने पैसा भी ले लिया। बोल रहा था कि छूट रहेगा, छूट भी नहीं किया। कहां कहां से हम लोग घूम घूम के आए, दौड़ते दौड़ते तो थक गए, खाना पीना कुछ भी नहीं मिला, भूखे प्यासे अभी तक पड़े हैं। टिकट का पैसा लिया, 740 रुपये टिकट का पैसा लिया गया है। वहाँ टिकट का पैसा लिया गया, फिर हम लोग को लाए ट्रेन में बैठाया गया। उसके बाद में खाना पीने का व्यवस्था फ्री था, हम लोग को लाए गोरखपुर उतारे, वहाँ से बस में बैठा यहाँ लाए। मगर क्या करें, हम लोग मजबूर थे, वहाँ खाना पीने का बहुत व्यवस्था हम लोग के पास था नहीं। कुछ भी खर्चा पानी अपने जेब में बटोर के रखे थे, वही पैसा दे टिकट कर दिए। क्या हम लोग के पास मतलब बहुत मुसीबत था, कैसा आना था गाँव, इसलिए टिकट का पैसा देना पड़ा। हाँ तो यही बात है कि मतलब केंद्र सरकार मतलब हम लोग से पैसा लिए टिकट के, 740 रुपये पैसा वैसा था नहीं, लेकिन किधर से व्यवस्था करके उसको पैसा दिए, फिर उसके बाद में टिकट दिया, टिकट देके फिर आया घर पे। इसके पहले पुलिस और प्रशासन से जुड़े कई अधिकारियों के बयान भी ये साफ जाहिर कर चुके हैं कि शुरुआती दौर में वाकई प्रवासी मजदूरों से किराया लिया गया, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसके लिए सरकार की आलोचना हुई और फिर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लपकते हुए बड़ा ऐलान किया, उसके बाद सरकार नींद से जागी। अब ऐसा किसी कंफ्यूजन के चलते हुआ या किसी और वजह से, ये अभी कोई नहीं बता पा रहा। लेकिन किराया लिए जाने की शिकायत से ज्यादा इन प्रवासियों को फिलहाल इस बात का संतोष है कि देर से ही सही कम से कम वो अपने घर लौट पा रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।